वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, दशाश्वमेध घाट से 40 फीट पीछे हटा आरती स्थल। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल पानी में डूबे। गलियों और छतों पर किए जा रहे हैं शवदाह। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। 84 घाटों का आपस में संपर्क टूटा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 14 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग में रेस्क्यू अभियान जारी। 2200 से ज्यादा यात्रियों को अब तक किया जा चुका है रेस्क्यू। मनकुटिया क्षेत्र से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया। मंडी में बादल फटने के बाद ड्रोन इमेजेस आई सामने। कल हुए हादसे में 4 लोगों की हुई थी मौत, 49 लोग अभी भी लापता। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य के लिए तेजी लाने का भरोसा जताते हुए कहा, राहत बचाव के लिए 315 करोड़ की रकम दी गई है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर पहुंचा नुकसान। इलाकों में पानी में बह गई कई सड़कें, घरों को भी हुआ नुकसान। भूंतर इलाके में पावर हाउस में फंसे 37 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। सड़क बह जाने से संपर्क टूट गया था। कुल्लू में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जारी किया गया अलर्ट। पानी की वजह से कई घरों को नुकसान, किनारे के घरों को किया गया खाली। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, नदियों का बड़ा जलस्तर। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पिछले 36 घंटे में बिजली गिरने से 12 लोगों ने गंवाई है जान। बिहार में रोहतास में वाटरफॉल देखने आए 35 सैलानी फंसे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षित बाहर निकले। सिक्किम के नागा गांव में बारिश के बाद इमारतों के गिरने के बाद 300 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। तीस्ता नदी की तरफ जमीन धंसने से लोगों में डर। वायनाड के चूरलमाला में लापताओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार अब तक 308 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के सिविल लाइंस के खाइबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर मंडराया बुलडोजर, चलने का खतरा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। खाइबर पास इलाके के लोगों ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। रिंग रोड को किया जाम। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 32 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का दिया था नोटिस। शनिवार को बुलडोजर चलाने का भी किया है ऐलान। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका। लिखा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी ने ईडी सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। लिखा, ईडी के अधिकारियों का चाय और बिस्किट पर स्वागत है। नई संसद की छत से पानी लीक होने का वीडियो वायरल। लॉबी में छत से टपकता पानी, नीचे रखी गई बाल्टी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद में पानी टपकने का वीडियो किया शेयर। लिखा, संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। वीडियो सामने आने पर लोकसभा सचिवालय ने जवाब दिया, कांच के गुंबद को सील करने वाला ग्लू हटने से पानी हुआ लीक, रिसाव को किया गया बंद। संसद में रेल मंत्री कहे जाने पर भड़के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरह रेल बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। रेल मंत्री ने लोको पायलट को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र कर कहा, आज 7000 से ज्यादा लोको कैब वातानुकूलित हैं। ये उन लोगों के समय शून्य था जो आज रेल बनाकर सहानुभूति जताते हैं। अश्विनी वैष्णव के बयान को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अहंकार का प्रतीक बताया। कहा, हरियाणा में पिछले 10 साल में 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछी। जिन्होंने रेल लाइन नहीं बिछवाई वो रेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रेल मंत्री को दी इस्तीफा देने की नसीहत। कहा, अश्विनी वैष्णव नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीने में रेल हादसों में 14 लोगों ने जान गंवाई है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मोदी जी के रेल मंत्री इसलिए भड़क गए क्योंकि उनसे जवाबदेही मांगी गई है। वो भूल गए हैं कि अब विपक्ष भी मजबूत हो गया है। लखनऊ के गोमती नगर कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 16 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरी गाज। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। दरोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। झारखंड के पाकुड़ में बोले सीएम हिमंता, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। झारखंड के सीएम सोरेन का तंज, झारखंड बीजेपी के नेताओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इसलिए बाहरी नेता बुलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नोमान जियाउल्लाह, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ढेर, सुरक्षा बलों ने माछल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नोमान जियाउल्लाह हाफिज सईद का करीबी है। सुरक्षा बलों ने शव को बॉर्डर पर फेंसिंग के पास से बरामद किया। हरियाणा के सिरसा में डेरा प्रमुख के 2 पदों को लेकर गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस ने हालात काबू में किए। पुलिस ने लोगों से अपील की, डेरे में शांति बनाए रखें, डेरे में होने वाले कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न भी करें। पिंपरी चिंचवाड़ में दर्दनाक हादसा, खेलने के दौरान 3.5 साल की बच्ची पर लोहे का भारी गेट गिरा, बच्ची की मौके पर ही मौत हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा। सावन शिवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में की पूजा अर्चना।
प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में दर्शन किए। मेरठ के काली पलटन मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया, शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग पर जल अर्पित कर भक्तों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन शिवरात्रि के मौके पर अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता, सावन शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी भक्तों ने की पूजा अर्चना, सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सावन शिवरात्रि के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं दर्शन। पेरिस ओलंपिक्स में पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले का रेलवे ने किया प्रमोशन, टीटी से प्रमोट कर बनाया ओएसडी, स्वप्निल ने शूटिंग में जीता है कांस्य पदक।